तो भाइयों, क्या आप भी क्रेटा के फेस लिफ्ट का इंतज़ार करते करते थक चुके हो? सेल्टोस नहीं लेना चाहते फेस लिफ्ट आने के बाद भी, और होंडा एलिवेट का तो आपका मन ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो टाटा वालों ने कहा है ऐसे कैसे? तो भाइयों, टाटा वाले लेके आने वाले 2024 में कर्व का इलेक्ट्रिक और पेट्रोल वर्जन। पर ये भाई, ये न्यूज़ तो भाई सभी ने दे दी है। टाटा कर्व एल्ट्रोस वाले अल्फा प्लेटफॉर्म पे बेस क्यों नहीं है? ये नेक्सॉन वाले पुराने X1 प्लेटफॉर्म में क्यों बनाया गया है? तो चलो भाई, टाटा कर्व की लेंथ भाई 4.3 मीटर, मतलब कि क्रेटा सेल्टोस जितनी ही होगी, और वाइड भी भाई लगभग लगभग उतनी ही मिलेगी। इसके अलावा जो इसकी पीछे जो स्लोपिंग कूपे वाली डिज़ाइन है, जो आपके लैम्बोर्गिनी यूरस वगैरह में आती है, वैसा भाई आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी नया है, जो अब तक इंडियन मार्केट में नहीं आया है। और भाई, इस गाड़ी के साथ टाटा वाले अपना एकदम न्यू 1.23 सिलेंडर पेट्रोल इंजन टर्बोचार्ज GDI, मतलब कि गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन भाई, वो वाला इंजन इंट्रोड्यूस कर देंगे। और ये अगले साल ही आ रहा है 2024 में। जो भाई ये पावर निकालेगा वो है 125 PS की पावर, और जो टॉर्क है वो निकालेगा 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और भाई, ये जो इंजन है ये BS6 फेज टू कंप्लाइंट तो होने ही वाला है। ऊपर से भाई E20 कंपेटेबल होगा, मतलब कि E20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होने के बावजूद भी ये इंजन कंपेटेबल होगा। तो भाई अच्छा ही है ना, टाटा वाले अच्छे अच्छे नए नए इंजन लेके आएंगे। और जो इनका थकेला सा इंजन, मैं थकेला नहीं कह रहा भाई, सारे जने थकेला कहते हैं, 1.2 वाले जो भी मौजूद है ना इंजन, उसको थकेला कहते हैं, वो हट जाएगा, ये आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और भाई, जो फीचर्स वगैरह जो अभी नेक्सॉन में मौजूद है ना भाई, वो सारे के सारे फीचर्स आप समझ लो कर्व में तो भाई आएंगे ही आएंगे। पैनोरमिक सनरूफ का भाई मैं कंफर्म नहीं कर सकता, पर सारे के सारे 360 कैमरा से लेके आपके जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, LED स्क्रीन्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भाई वो सब कुछ आने वाला है। अब भाई बात करते हैं कि इसमें जो अल्ट्रोस का अल्फा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं आ रहा। तो भाइयों, जो सबसे मेन रीज़न है अल्फा प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टाटा कर्व ना बनाने का, टाइम। हाँ भाइयों, हाँ, टाटा मोटर्स वालों ने X1 प्लेटफॉर्म के ऊपर बना के अपना टाइम बचा लिया, क्योंकि भाई X1 प्लेटफॉर्म के ऊपर नेक्सॉन आती है, और ये नेक्सॉन के ही बॉडी स्टाइल की तरह ये बनाई गई है, बस पीछे से आपको डिज़ाइन लगेगी और थोड़ी सी लंबी हो गई है। यही भाई मेन रीज़न है, और कोई मेन रीज़न नहीं है। वैसे भाई X1 प्लेटफॉर्म भी अल्फ़ा के जितना ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है, पर भाई अल्फ़ा पे बनती तो भाई आपको पीछे फ्लैट फ्लोर आपको देखने को मिल जाता, ऊपर से भाई ये लाइट वेट होता, मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस भाई और निखर के आती ऑन रोड पे। और भाई, इसकी स्टेबिलिटी आप अल्ट्रोस वगैरह में तो भाई देख ही चुके हैं, और 5-4 तो भाई ये है ही, अल्ट्रोस पंच में आपको भाई देख ही चुका है। बाकी बात करें अगर लॉन्च की, तो भाई ये 2024 के मई तक मेरे ख्याल से भाई EV वर्जन भाई तो आ ही जाएगा। उसके भाई फिर आप 2-3 महीने बाद आप पेट्रोल वर्जन भाई एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्च होने के लिए। और जो प्राइस होगा भाई, वो मतलब कि क्रेटा सेल्टोस के लगभग बराबर ही होगा। तो भाई